इनकलाब जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 जन से धोखाधड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज दो फैसला किया है जो फैसला किया गया है जो फैसला किया गया है टेबल के ऊपर प्रशासन ने जो फैसला किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। किसानों के साथ किसानों के साथ 13 जुलाई 2022 को आज यहां पर आने का मुख्य उद्देश्य ये है। आज से लगभग 20-25 दिन पहले ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था मीटिंग करके दिल्ली के अंदर कि भाई 2 साल तक किसानों ने लड़ाई लड़ करके देश के तानाशाह प्रधानमंत्री किसान मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुटने टेक करके काले कानून वापस कराए थे। उसके बाद सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को बुला करके टेबल के ऊपर फैसला किया था, लेकिन जो फैसला टेबल के ऊपर हुआ दिल्ली के आंदोलन में वो आज तक लागू नहीं किया गया है। उसके विरोध में 31 जुलाई 2022 को ऑल इंडिया के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर तमाम नेशनल हाईवे पर तमाम टोलों के ऊपर तमाम स्टेट हाईवे के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के तानाशाह और झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने पुतला फूंका है और जो फैसले टेबल के ऊपर हमारे हुए थे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ उनको लागू करवाने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया है। इसमें लखीमपुर खीरी के अंदर जो हमारे भाइयों को बीजेपी के तथाकथित गृह मंत्री अजय मिश्रा और उसके बेटे ने गाड़ी के नीचे कुचल करके मार डाला, वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे ही लखीमपुर खीरी के किसान भाइयों के ऊपर 302 के झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल रखा है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। किसानों के हत्यारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उसके बेटे को जेल में डाला जाए, एमपी अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। ये एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए कमेटी के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल किया जाए। बिजली अधिनियम 2020 को खारिज किया जाए और अक्षतिपूर्ति अधिनियम को खारिज किया जाए। हिसार जिला के अंदर लगभग 40 गाँव के अंदर 5-5, 6-6 फुट पानी भरा हुआ है, बस्तियाँ भी डूब गई हैं। पानी को निकलवा करके किसानों को तुरंत प्रभाव से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। आदमपुर के अंदर 50 दिन से धरने पर बैठे हुए किसानों की समस्या को सुन करके बाइज्जत आदमपुर बाड़समंद खेड़ी चोपटा और तमाम जिला हिसार के किसानों का खरीफ 2021 खरीफ 2020 रबी 2022 का मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए, वरना हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। 13 जुलाई को राखी प्रकरण को लेकर के खेदड़ के अंदर धर्मपाल के हत्यारे प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो और जो टेबल के ऊपर फैसला हुआ था 13 जुलाई को खेदड़ प्रकरण को लेकर के उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के हमने वादा खिलाफी करने वाले किसान मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुतला फूंका गया और सांकेतिक रूप से 4 घंटे तक लगातार तमाम देश का किसान देश के 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे और तमाम टोलों के ऊपर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जब भी सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी, हमारी मांगों को नहीं मानेगा तो संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया इकट्ठा होकर के हम बड़े आंदोलन का बिगुल बजाएंगे जिसको सारी दुनिया देखेगी। ये तानाशाह प्रधानमंत्री और इसकी बीजेपी जाएगी खल्ले खांदी। हमने ये निर्णय ले रखा है।